हिसाब से आपने मेरे को आशीर्वाद दिया, मुझे लग रहा है कि आपका आशीर्वाद काम करेगा और मैं इसमें पूरी कोशिश करूंगा, यथाशक्ति पूरे ग्रोथ का करने की कोशिश करूंगा जो बिहार के हित में होगा। और उम्मीद है अगर आप ये केस जीते तो हम दोबारा पुनः आपका यहाँ पर स्वागत करेंगे और आपका संस्था को यहाँ से संचालन करेंगे। अब मैं जो है उपाध्यक्ष राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भगत सिंह जी, इनके दो शब्द लूंगा और जानने की कोशिश करूंगा। भगत सिंह जी नमस्कार सर। तो आज आप लोग आए और आप लोगों ने बड़ी सूझबूझ से यहाँ के आपने जो भी देखे लोग थे, कुछ उग्र थे, कुछ समझदार थे, कुल मिलाकर आप लोगों ने सब शांतिपूर्वक तरीके से सब लोगों को समझा बुझा के एक ठीक तरीके का माहौल बना दिया। तो क्या कहेंगे यहाँ के जो क्षेत्र? जिस प्रकार सीएम विपल साहब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जोनल अध्यक्ष थे, तो उनके बाद यहाँ का जोनल अध्यक्ष मैं ही बना। और उसके बाद जब भारतीय बौद्ध महासभा दिल्ली पंजीकृत के वो अध्यक्ष बने, मैं उपाध्यक्ष बना। उसके बाद में शंकर लाल जी या जूनल अध्यक्ष बने और दुसा सजनी के साथ मैंने काफ़ी काम देखा, उससे पहले भी काफ़ी आता जाता रहा। उसके बाद क्योंकि शंकर लाल जी जूनल अध्यक्ष भी थे और इस ताजपुर पहाड़ी बुद्ध विहार के अध्यक्ष भी थे, तो इस पीरियड में कुछ कोरोना भी हो गया तो मैं थोड़ा कम आया। और आज जो मीटिंग हुई, ठीक है कुछ लोग उपलब्ध हैं, चलता है ये सब, सभी तरह का समाज है, लेकिन उसके बाद भी जो सद्भावपूर्ण तरीके से बातें हुई, बहुत अच्छी तरीके से बातें हुई, सर्वसम्मति से हुई और बाकी सारा पीपल साहब ने बता ही दिया। लेकिन मुझे केवल राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के नाते एक बात पर मैं ज़्यादा जोर देता हूँ, क्योंकि मैं 66 में बौद्ध धर्म ग्रहण किया था 18 साल का होने के बाद, तो तब से मैं बिल्कुल 22 प्रतिज्ञाओं को मान के चलता हूँ। तो मैं ये नहीं कहता कि आप जो जितने भी हैं सारी एकदम 22 प्रतिज्ञा मान लो, पर धीरे धीरे कोशिश करो कि बाबा साहब ने जो खून से इसको सींचा है उसको आप थोड़ा, या हर संडे को भी आए कुछ ना कुछ थोड़ी 10-15 मिनट के लिए और धर्म को आगे ले जाएं। यही मेरी कामना है, आप सब सफल रहें और भगवान बुद्ध की अनुकंपा हो, बाबा साहब की कृपा हो। नमो बुद्धाय। NCR करंट न्यूज को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।